पहले जिस चेहरे को आप केबीसी में देख रहे थे अमिताभ बच्चन के साथ, वो आज हमारे साथ हैं अवंतिका त्रिवेदी। अवंतिका जी, क्या कैसा अनुभव रहा केबीसी का? आप यहाँ से गई, ऑडिटर हैं, क्या कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा और अद्भुत अनुभव था मेरे जीवन में। मुझे लगता है कि केबीसी में जाके आना एक अपने आप में एक बहुत ही अनूठी बात थी, क्योंकि जिस कार्यक्षेत्र में मैं हूँ उस फील्ड में रह के एक मीडिया में जाना और एक खुद को एक तरह से सेलिब्रिटी की तरह फील करना एक अलग ही अनुभव था और बहुत ही अच्छा अनुभव था, सुखद अनुभव था। केबीसी में जाने की बात तो अलग है कि आप 12,50,000 पे आपका जो सफ़र था वो रुक गया, लेकिन अमिताभ से मिलने का जो एक क्रेज़ होता है लोगों में, क्या उसको लेकर के क्या लगा आपने, कैसे सवाल हुए क्या? देखिए, केबीसी में जाने का सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही था कि मैं अमित सर से, सदी के महानायक से मिल पाऊँ, और वो मेरा सपना पूरा हुआ। उनसे मैं मिली, उनसे मेरी बात हुई और काफ़ी समय उनके साथ खेल के दौरान बिताया, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्वितीय अनुभव था वो उनके साथ मिलना। कोई सवाल और भी उन्होंने किए कुछ अलग से? आपने एपिसोड तो सारा देखा ही है, पर यह है कि हाँ, एपिसोड के अंत में उन्होंने, एपिसोड के बाद भी उन्होंने अपने मेरे उज्जवल भविष्य के लिए मुझे शुभकामनाएं दी हैं और यही कहा कि आप बेहतर कर रही हैं और आप जीवन में बेहतर कर रहे हैं। अभी आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अभी भी कर रही हैं, तो नए बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगी जो तैयारी कर रहे हैं या इस तरीके के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप सतत परिश्रम करते रहिए, सतत परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, और सिर्फ किताबों तक सीमित मत रहिए, खुद को बाहरी दुनिया में भी इन्वॉल्व कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए, उसमें उत्तीर्ण होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाहरी दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं। सिर्फ किताबी ज्ञान ज़रूरी नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल आपकी नॉलेज, वो बहुत ज़रूरी है। केबीसी से आने के बाद क्या, अब तो सेलिब्रिटी बन गई हैं आप, तमाम चैनल्स पे, तमाम जगह आप खबरें छप रही हैं, कैसा फील कर रही हैं, आस पड़ोसी क्या कह रहे हैं आपके? हाँ, ये बात सच है कि केबीसी में जाने के बाद और स्पेशली एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद मैं खुद को एक तरह से सेलिब्रिटी फील कर रही हूँ, और फ़ोन्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं लोगों की, और स्पेशली आस पड़ोस सब लोग बहुत खुश हैं। मतलब मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा तो मेरे से जुड़े जो लोग हैं वो लोग भी सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी अनुभव, बहुत अच्छी फीलिंग। घर वालों ने क्या कहा? घर वाले क्या कहेंगे, घर वाले बहुत खुश हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं, और माता जी तो मेरी बहुत ज़्यादा ही खुश हैं क्योंकि मेरे साथ साथ वो भी सदी के महानायक से मिल के आई हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। आप एक महिला हैं, महिलाओं को लेकर के होता है कि बाहर नहीं निकलना है, इस तरीके की तमाम बंदिशें हैं सोसाइटी में हमारी, क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या इस तरीके से एक बड़े जगह पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या कैसे, क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि महिला है, पुरुष है, ठीक है, ये हमारे समाज में बनाया हुआ है। मैं सबसे यही कहूँगी कि जिस तरीके से मेरे परिवार ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मेरे लिए हमेशा वो लोग आगे आगे खड़े रहे हैं, मैं सभी परिवारों में सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी और सबको यही सलाह भी दूंगी कि प्लीज़ आप कभी भी ये भेद ना करें कि ये एक लड़की है या लड़का है। आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी संतान, आपके परिवार का कौन सा सदस्य आपको कहाँ ले जाएगा, आपके नाम को कहाँ, किन बुलंदियों तक ले जाएगा। तो सबको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन हाँ, सबको स्वतंत्रता मिले, स्वच्छंदता नहीं, चाहे लड़की हो या लड़का। तो ये अवंतिका एक बड़ी बात कह रही हैं कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए लेकिन स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए, आत्मनियंत्रण भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं, और रातों रात स्टार बन गई हैं अवंतिका, और अब जो है आस पड़ोसी इनको बधाई दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी से प्रशांत पांडे, ईटीवी भारत के लिए।